देवी चट्टोपाध्याय एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। वह एक समाज सुधारक और अभिनेत्री थी। कमला देवी दो साइलेंट हिट फिल्मों में नजर आई थी। इसमें से एक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की पहली साइलेंट फिल्म थी। इसका नाच था मृत वाजिका 1931। इसके बाद वह तासीर फिल्म में नजर आई। उसके बाद कमला देवी ने शंकर पार्वती 1943 और धन्ना भगत 1945 जैसी फिल्में भी की। आजादी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर महात्मा गांधी को उन्होंने मनाया था और इसके बाद आजादी के आंदोलनों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। आज उनका 115वां जन्मदिन है। कमला देवी के पिता मंगलोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। कमला देवी जब 7 साल की हुई तो उनके पिता की मौत हो गई थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरण के लिए न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों संबंधित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव रखा था। कमला देवी चट्टोपाध्याय को भारत के उच्च सम्मान पद्म भूषण 1955, विभूषण 1987 से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1966 में उन्हें एशियाई हस्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय काम करने के लिए दिया जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कमला देवी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने द वेकिंग ऑफ इंडियन वुमन, जापान इट्स विकनेस एंड स्ट्रेंथ, अंकल्स इन एम्पायर, इनवाइट ऑन चाइना और टुवर्ड्स ए नेशनल थिएटर जैसी कई किताबें भी लिखी। दिल्ली में मौजूद थिएटर संस्थान, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री, जिमपोरियम और क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों को बनाने में उनकी भूमिका अहम रही। कमला देवी की 2 शादी हुई थी। उनकी पहली शादी महज 14 साल की उम्र में हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही उनके पति का निधन हो गया था। वह पढ़ाई के लिए चेन्नई के क्वीन मैरीज कॉलेज में जाती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सरोजनी नायडू की छोटी बहन से हुई। इसके बाद उनकी मुलाकात सरोजनी नायडू के भाई हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से हुई। कुछ समय बाद कमला देवी और हरेंद्र नाथ ने शादी कर ली। हालांकि बाद में उनका और हरेंद्र नाथ का तलाक हो गया था। 29 अक्टूबर 1988 को 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।